जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आरजे आटा जी सेशन में लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। एक बड़ी भर्ती जो आपकी 10वीं पास भर्ती है और सेंटर की भर्ती है, लेकिन इसके अंदर लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, इसी के साथ साथ आपको इसमें किस टाइप से तैयारी करना है और आपको इस लाखों की भीड़ में से अलग कैसे होना है, वो सभी बातें इस अनुष्का अकेडमी चैनल के ऊपर करने वाले हैं। और आप अनुष्का अकेडमी चैनल के ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उदयपुर के अंदर आ सकते हैं। उदयपुर में ऑफलाइन सेंटर जो चलता है अनुष्का अकेडमी का, इसमें आपको तमाम गाइडेंस के साथ आपको सिखाया जाता है कि किस टाइप से आप जो SSC MTS की भर्ती आती है उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर SSC की कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी वैकेंसी हो जिसके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये SSC MTS की बड़ी भर्ती जो आपके लिए आने वाली है, 2024 की जो भर्ती होने वाली है, इस भर्ती के अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या सिलेक्शन रणनीति होनी चाहिए, क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इसके अंदर कवर करने वाले सेशन में आगे बढ़ते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। आप देख सकते हैं SSC MTS की नई जो बंपर भर्ती वो आपकी आएगी, और सरकारी नौकरी के लिए अभी अभी खुशखबरी आप सभी के बीच में होने वाली है। इसके अंदर आपका मात्र और मात्र 10वीं पास जो है ये भर्ती है, इसके अंदर आपको एज जो 18-30 वर्ष रखा गया है, इसके अंदर कितनी जो छूट मिल रही है, किस किस विद्यार्थी को छूट मिलेगी, पूरी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर अपने कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेलली नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलता हूं। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन देता हूं कि किस टाइप से आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये जो SSC MTS का जो रिक्वायरमेंट है, ये जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका मई के महीने में आने की पूरी संभावना है। मई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना थी, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में आया नहीं है, सेकेंड वीक या फाइनल वीक तक आपका आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपका अच्छे से समझाते हैं कि आए ये SSC MTS जो आपकी परीक्षा जो SSC कंडक्ट करवाती है, इस SSC जो कंडक्ट करवाती है, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है, क्या नहीं रहता है, ये तमाम बातें इसके अंदर देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका परीक्षा आयोजित हो जो आपकी SSC जो आपकी करवाती है, और इसके अंदर आपकी विज्ञापन जो आपका मई के महीने में आने की संभावना है, और जो परीक्षा की तिथि है वो आपके जुलाई और अगस्त के अंदर, मतलब आपका मई के बाद जून और जुलाई 2 से 3 महीने का आपको इसके अंदर एग्जाम करवाने के बाद समय में मिलेगा, जो आपको फॉर्म भरवाने के बाद। इसके अलावा बात करूं, इसके अंदर आपको समय आपको 90 मिनट मिलता है, इसके अंदर सवाल आपको जो आपका कुल सवाल जो 90 सवाल पूछा जाता है, इसके अंदर जो आपका टोटल मार्क्स होता है 270 मार्क्स का इसके अंदर टोटल जो पूछा जाता है, इसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश माध्यम और अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग मिलता रहता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पात्रता ओनली आपकी 10वीं पास रखी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर आयु आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। इसके अलावा 3 साल SC 5 साल आपकी SC ST, और इसके अंदर जो आपका अलग अलग कैटेगरी के है 3 साल OBC वर्ग को अलग अलग छूट जो मिलती है। SSC.NIC.IN वेबसाइट है ऑफिशियल SSC की, इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हो। इसके अलावा बात करूँ जिसके अंदर आपकी रिक्तियाँ जो आप सभी के बीच में होगी, वो कितने पदों पर आएगी, वो तो फाइनल नोटिफिकेशन आने पर ही पता लगेगा, लेकिन हर सालाना आती है ये भर्ती आप सभी के बीच में, बहुत जल्दी आपके लिए भर्ती आएगी इसके अंदर। शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दिया, 10वीं पास है, आयु सीमा इसके अंदर आपकी 18 से 25 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा 2 साल 3 साल आपकी छूट जो मिलती है वो आपकी इसके अंदर मिलेगी। और आवेदन शुल्क की बात करूँ तो आपकी हर एक कैटेगरी अलग अलग आवेदन लगते हैं, जिसके अंदर आपकी जनरल कैटेगरी में आते हैं आप तो आपको 100 रुपये फीस लगेगी, EWS भी आते हैं तो अभी आपको 100 रुपये लगेगी, OBC की भी आपको 100 रुपये लगेगी, और SC है और ST है इन सभी को, और फीमेल कैंडिडेट है इन सभी को इसके अंदर फ्री रखा गया है, इसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, ठीक है। और इसके अंदर बात करूँ आप सभी के बीच में कि इसके अंदर जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या नहीं रहता, वो बात करता हूँ। इसके अंदर दो टाइप के पेपर होते हैं, दो पार्ट के अंदर पेपर होता है। जो पहला पार्ट आता है उसके अंदर आपको 45 मिनट मिलता है, दूसरे पार्ट में भी 45 मिनट मिलता है। पहले पार्ट में आपको रीजनिंग पूछा जाता है 20-20 नंबर का, और इसके अंदर 60-60 अंक का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर तीसरा पार्ट रहता है, इसके अंदर आपका GK का 25 क्वेश्चन आपका GK के पूछा जाता है, और 25 इसके अंदर अंग्रेजी और या फिर हिंदी आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको पूछा जाता है 75 अंक का, टोटल आपका 150, और इधर आपका 50 क्वेश्चन। तो इस टाइप का जो आपका पेपर होता है 90 मिनट के अंदर आपका, तो ये 90 मिनट में आपको पेपर पास जो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बता देता हूँ कि आपका इसके अंदर इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, संख्या वर्णमाला का क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, समानता, गपशप,
युक्ति वाक्य और दिशा बोध श्रेणी और इस टाइप के आपके खून का रिश्ता वगैरह, इसके अंदर आपका शब्दकोश वगैरह, इस टाइप के रीजनिंग के बेसिक टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ इसके अंदर आपका जो आपका मैथ्स का टॉपिक कुछ आते हैं इसके अंदर, मैथ्स भी इसमें पूछी जाती है। संख्या प्रणाली हो गई, प्रतिशत औसत, समय कार्य, लाभ हानि, अनुपात, मिश्रण, अवरोप, गति, समय, दूरी, चक्रवर्ती, साधारण ब्याज, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित वगैरह, इसके अंदर आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करूँ इसके अंदर तो आपका त्रुटि का पता लगाना, रिक्त स्थान भरना, समानता, त्रिशब्द, विलोम शब्द, ये सब आपको मुहावरे, वाक्यांश वगैरह इसके अंदर अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी ग्रामर जो आपकी इसके अंदर पूछी जाती है, इसके अंदर आपको अंग्रेजी ग्रामर जो आपकी देखनी पड़ती है। इसके अलावा इसके अंदर जीके की बात करूँ, जीके आपको काफी लेंथ का पूछा जाता है, इंडिया जीके इसके अंदर देखना पड़ता है आपको। भारतीय संविधान हो गया, पुरस्कार विजेता पुस्तक हो गई, इतिहास संस्कृति हो गई, पुरस्कार सम्मान हो गया, अर्थव्यवस्था और राजनीति हो गई, इसके अंदर इंडिया जीके आपको देखना पड़ेगा। इंडिया जीके जो आपको होगा इसके अंदर आपकी एक तो पॉलिटी आ जाएगी इंडिया की, हिस्ट्री आ जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर आपकी जो कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जो आपकी आ जाएगी, आर्ट कल्चर आ गई। इसके अलावा इसके अंदर आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक आ गई, ये सब इसके अंदर सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी इसके अंदर देखना पड़ता है आपको, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी आएगा इसके अंदर, सामान्य विज्ञान भी आएगी, ये सब इसके अंदर आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके एसएससी एमटीएस की जो भर्ती है आप सभी के बीच में बड़ी खुशखबरी है कि आपके इसके अंदर बहुत जल्दी जो नोटिफिकेशन आपके आने वाला है, नोटिफिकेशन आपको अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको मिलती रहे, ठीक है। अनुष्का अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को इसके अंदर सरकारी नौकरी आपको लेनी है, पास करना है, दसवीं पास आप हैं और दसवीं से ज़्यादा भी पढ़े हैं तो इसके अंदर जरूर फॉर्म लगाइएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो आपकी एसएससी के एमटीएस की भर्ती आती है तो इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपकी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके अंदर आपको फॉर्म भरने का प्रक्रिया आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रक्रिया जो रहती है वो आपको मैंने सारा बता दी, आपकी इसके अंदर बेसिक जो आपके रहता है वो आपको बता ही दिया मैंने। कैसा लगा, उम्मीद है शानदार तरीके से आपको सेशन समझ में आ चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।